bismillahir rahim assalamu alaikum students i am professor kaakishan najam lecturer in botany from government degree girls college buffer zone karachi students i am talking to you from the platform of Singh college lectures youtube channel and uh, this is my second lecture it is prepared for the first year pre medical students students uh, my topic was transport in plant and uh, it uh, it was discussed in lecture number 1 and this lecture is also the continuation of the uh, last lecture. Okay, students, this is chapter 14 of your biology textbook. My topic is transport in plants. Okay, the topic includes water and mineral uptake by roots, ascent of sap, path of movement of water and minerals. Mechanism of ascent of sap, push from below means root pressure theory, transpiration pull means cohesion and tension theory. Okay, students, uh, in this lecture we will discuss de in detail the mechanism of transport in plant, okay, conduction of water and minerals in the plants, water and minerals uptake by roots. एबजॉप ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट प्लेस थ्रो रूट सिस्टम वेर इनॉर्मस नंबर ऑफ रूट हेयर्स आर प्रेजेंट ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो के uh, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है वो डेफिनेटली रूट्स के जरिए होता है लेकिन रूट uh, में ऐसी क्या खास बात है बेसिकली दे आर इनॉर्मस नंबर ऑफ रूट हेयर्स इन द रूट ओके थ्री पाथवेज आर अवेलेबल फॉर वाटर टू एंटर जयलम अच्छा दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बेसिकली ज़ाइलम जो है वो स्पेशलाइज सेल्स और टिश्यूज़ हैं जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स का काम करते हैं तो रूट हेयर से वाटर जब एब्जॉर्ब होता है तो उसकी अपलोडिंग जो है वो ज़ाइलम सेल्स तक होनी होती है ठीक है तो रूट हेयर दे आर रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और uh, उसके बाद जायलम तक पहुंचने के लिए व्हाट आर द पाथवेज रूट हेयर से लेके उसको यानी सेल्स uh, की एपिडर्मिस क्रॉस करनी होती है सेकेंडली कॉर्टेक्स फिर एंडोडर्मिस और फिर जैलम के कंडक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वहाँ तक पहुँचना होता है तो उसको uh, जो है वो फॉलो करने के लिए थ्री पाथवेज जो है वो प्लांट uh, में uh, जो है वो एग्जिस्ट करते हैं नंबर वन द सेल टू सेल पाथवे द फर्स्ट रूट इज फ्रॉम सेल टू सेल वाटर एंटर्स द रूट हेयर और एपिडर्मल सेल डाउन अ ग्र ग्रेडियंट ऑफ वाटर पोटेंशियल बाय प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस हमें पता है हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में ऑस्मोसिस का प्रोसेस मींस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो वाटर जो है वो आ, रूट के रूट हेयर्स के जरिए एब्जॉर्ब होता है अंदर आता है और हायर कॉन्सनट्रेशन वाटर की कहाँ मौजूद है हायर कॉन्सनट्रेशन उसकी जो है वो ज़मीन में यानी सॉयल में मौजूद है सॉइल पार्टिकल्स के साथ वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो एडहेयर करते हैं और रूट हेयर जो है रूट हेयर रूट के अपने सेल्स में जो है कम्पेटिवली वाटर की कॉन्सनट्रेशन कम है इट इज़ लोअर दैन दिन दॉयल सॉइल सेप्ट तो होता है फिर डेफिनेटली क्या होगा कि वाटर अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और इस तरह वो वाटर जो है वो एंटर uh, हो जाएगा रूट हेयर के जरिए प्लांट के अंदर द एपोप्लास्ट पाथवे ये सेकेंड पाथवे है इसमें क्या होता है बेसिकली इट इज द पाथवे इन्वॉल्विंग सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स विच इज कंटिन्यूस थ्रू आउट द प्लांट रूट्स अच्छा हमने एक चीज और भी डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में उसमें क्या था कि सेल वॉल जो होती हैं बेसिकली उनमें ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच आर हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग सब्सटेंसेस वी नो दैट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सैडिलोज एंड एंड पैक्टिन दिज आर ऑल वाटर लविंग सब्सटेंसेस तो वाटर कैन मूव फ्रीली विद इन द वॉल अब वाटर इज नॉट एंट्रिंग इन दैटोपलाजम वाटर क्या कर रहा है वो रूट के सेल्स के अंदर किस तरह से मूव कर रहा है वो थ्रू आउट द सेल वॉल मूव कर रहा है सेल सेल uh, के साथ सेल वॉल्स के जरिए फ्रीली मूव कर रहा है इट इज़ नॉट एंट्रिंग इन द साइटोप्लाज्म तो दिस पाथवे इज कॉल्ड एपोप्लास पाथवे यानी वो मैट्रिक्स क्रॉस करता जा रहा है सेल वॉल्स की और uh, अंदर नहीं जा रहा ठीक है तो दिस पाथवे इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे द नेक्स्ट पाथवे इज कॉल्ड सिम्प्लास पाथवे ये क्या है इट इज़ द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट इन द रूट सेल्स द साइटोप्लाजम ऑफ नेबरिंग सेल्स इज कनेक्टेड विद वन एंड अदर बाई प्लाजमो डेसीमेटा अच्छा स्टूडेंट्स प्लाज्डेसीटा एक टर्म है आपको अगर याद हो आपके फर्स्ट आपका जो चैप्टर दस सेल चैप्टर है उसके अंदर आप लोगों ने ये जो है ये टर्म भी पड़ी प्लाज्डासीटा दीज आर बेसिकली द कनेक्शंस ऑफ 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 टू नेबरिंग साइटोप्लाजम यानी अगर दो सेल्स के दरमियान में जो साइटोप्लाजम की बेसिकली कनेक्शन है दो साइटोप्लाजम का तो जो उसमें ट्रैवलिंग uh, होती है ट्रांसपोर्ट होती है साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म आयन और मॉलिक्यूल्स की वो थ्रो प्लाजो होती है ओके okay? तो अगर आ, जो है वो वाटर मिनरल्स जो है वो साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म जो है वो मूव कर रहे हैं तो दे आर मूविंग थ्रू द दे प्लाज्माटा तो ये पाथवे कहलाता है सिम्प्लास पाथवे ओके okay? तो इस चीज़ में आप ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि वाटर एंड मिनरल्स अपटेक बाय रूट्स कैसे होता है बाय मीन्स ऑफ रूट हेयर्स रूट के ऊपर जो रूट के अंदर टिप्स पर जो होती हैं वो रूट हेयर्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं वाटर को एब्जॉर्ब होने के लिए और वाटर कहाँ मौजूद है सॉयल पार्टिकल्स के ऊपर एडहेर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल्स और जो दूसरे आइंस हैं जो आ, प्लांट के लिए नेसेसरी आइन्स हैं और मॉलिकूल्स uh, हैं वो सारे जो है वो कोटेड हैं सॉयल पार्टिकल्स के ऊपर तो रूट हेयर जो है वो वहाँ से वाटर uh, जो है और मिनरल्स जो है वो अपटेक करते हैं और ये तीन में से कोई सभी पाथवे जो है वो उसको फॉलो करते हैं थैंक

जाना कहाँ है वाटर को इट हैज़ टू गो टू द जैलम बेसिकली जैलम कंडक्टिव टिश्यूज़ हैं वाटर को यही कंडक्ट करवाएंगे ऊपर तक तो रूट हेयर से इसको जैलम सेल uh, तक पहुँचना है तो जैलम के टिश्यूज़ तक पहुँचने के लिए वो कॉटेक्स को जो है वो क्रॉस करेगा एंडोड्रामिस को क्रॉस करेगा और उन सब के लिए अगर वो uh, जो है वो यूज़ uh, uh, करता है साइटोप्लाज्मिक पाथवे तो फिर वो कहलाता है सिम पाथवे वाटर सेल टू सेल जा रहा है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर उसके साइटोप्लाज्म के थ्रू जा रहा है अच्छा ब्लू लाइन में देखिए एपोप्लास पाथवे ये जो दरमियान में इंटर सेलोलर स्पेसिस हैं इसके दरमियान में से वो सेल वॉल टू सेल वॉल मूव कर रहा है और ये भी वाटर जैलम ही की तरफ जा रहा है तो ये पाथवे कहलाता है एपोप्लास्टिक पाथवे एक और डायग्राम देखते हैं इधर भी यही है रेड लाइन जो है वो यहाँ पर एपो प्लास्टिक पाथवे है और यहाँ पर ब्लू लाइन जो है वो सिम प्लास्टिक पाथवे है यहाँ सेल वन टू थ्री सेल्स आप देख सकते हैं और सेल मेम्ब्रेन देखिए आउटर मेम्ब्रेन आपको पता है इसके अंदर प्लांट के अंदर सेल से वॉल होती है सेल वॉल के अंदर जो है फिर वो सेल मैमब्रेन होती है और प्लांट सेल के अंदर बड़ा सा वैक्यूल होता है तो ये देखिए पाथवे रेड जो पाथवे है यहाँ पर एपोप्लास्टिक पाथवे वाटर जो है वो सेल वॉल टू सेल वॉल मूव कर रहा है अच्छा और अगर ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया है तो साइटोप्लाज्म के अंदर आप देख लीजिए दरमियान में जो है वो हाँ पर लेबल हुआ हुआ प्लाज्मोडेम साइटोप्लाज्म है वो इंटरकनेक्टेड है विद नेबरिंग सेल बाय ऑफ नेटा और अब ये वाटर जो है ये एक सेल से दूसरे सेल में थ्रो प्लाज्मोडेमेटा मूव कर रहा है तो दिस पाथवे इज कॉल्ड से पाथवे साइटोप्लाज्म ओके नेक्स्ट देखते हैं ओके नाउ कम टू द मैकेनिज्म एसेंट ऑफ सैप वॉटर इज एब्सॉर्ब बाय रूट एंड ट्रांसपायर्स थ्रो लीव्स अच्छा वाटर जो है अब हमने आपने अपटेक ऑफ वाटर हमने डिस्कस कर लिया कि ज़मीन से जो है वो प्लांट पानी कैसे लेता है ज़मीन से वो पानी लेता है बाई मीनस ऑफ रूट हेयर और उसकी जो है वो लेटरल ट्रांसपोर्ट होती है रूट हेयर से वो अब उसने जो है वो जैलम वैसल्स को जो है वो यूज़ करके और ऊपर तक प्लांट पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट होना है पूरे ट्री को या पूरे प्लांट को पानी पहुँचाना है और आ, हमें ये भी पता है एक और होता है प्लांट के अंदर दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेशन उसमें क्या होता है कि वाटर जो है वो थ्रू लीव्स जो है वो आ, जो है एवोपरेट होता है तो ये दोनों ही चीज़ें मिलकर एसेंट ऑफ सैप क्रिएट करती हैं चले नेक्स्ट देखते हैं बिफोर ट्रांसपेरेशन यानी ट्रांसपेरेशन से पहले लीव्स के स्टोमेटा के जरिए वाटर के एवोप्रेट होने से पहले बिफोर ट्रांसपेटेशन वाटर इज कंडक्टिव कंडक्टिव कंडक्टिड अप टू द लीव्स दिस अपवर्ड मूमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स अप टू द लीव्स अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप हम किसको कहते हैं एसेंट ऑफ सैप एसेंट ऑफ सैप का मतलब uh, जो मिनरल्स और वॉटर का चढ़ाना है यानी ऊपर तक पानी चढ़ना है वो चढ़ना किसके अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी हमें पता है कि ग्रेविटी जो है वो आ, हर चीज को डाउनवर्ड अट्रैक्ट अट्रैक्ट करती है तो उसके अगेंस्ट पानी को ऊपर लेके चढ़ना तो उस उस चीज को वो चीज कहलाती है एसेंट ऑफ सैप ठीक है पानी को ऊपर चढ़ना होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी टू अंडरस्टैंड दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स नीड टू एक्सप्लेन ठीक है क्या है वो पाथ ऑफ एसेंटिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर हमें समझना है के पानी ऊपर जो चढ़ता है पौधों में वो ऊपर कैसे जाता है उसका पाथ उसका रास्ता क्या है ठीक है नेक्स्ट द मकैनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप उसका फिजियोलॉजिकल क्या मेकेनिज्म है ओके यहाँ पर डायग्राम में देखिए नीचे से पानी ये पूरी डायग्राम में जो है वो जूम करके भी दिखाया गया है कि रूट में जो पानी है वो रूट हेयर से एंटर हो रहा है रूट हेयर के जरिए इलेट्रा ट्रांसपोर्ट हुई है रूट्स के अंदर और रूट से पानी अब अपवर्ड जा रहा है दरमियान में जो ट्रंक है ट्रंक जो ट्री का है इसके अंदर जायलम वैसल्स हैं और जैलम वैसल्स के जरिए जो है ये कंडक्शन हो रही है फिर ट्रू मतलब अप टू द जो है वो लीफ चला गया लीफ में स्टोमेटा और स्टोमेटा में जो पोर्स हैं और इस्टोमेटा जो अपर्चर्स हैं सुराख हैं उनसे जो है वाटर वो एवोप्रेट हो रहा है तो ये एक पूरा के पूरा पाथवे बन रहा है पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ओके पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हमें पहले इस चीज़ को समझना है कि वाटर एंड मिनरल्स का पाथ क्या है रास्ता क्या है द पाथ ऑफ देंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर इज जायलम ये याद रखिए कि जो वाटर uh, का रास्ता है थ्रू आउट द प्लांट वो है जैलम आपको पता है कि हर टिश्यू जो होता है वो स्पेसिफिक होता है फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन तोलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर ये स्पेसिफिक टिश्यू है प्लांट के अंदर जो वाटर का कंडक्शन करता है नीचे से वाटर लेकर ऊपर तक पहुंचाता है।, है? है, है और इसको मेनली टू टाइप्स में जो है वो डिवाइड करा गया है नंबर वन वैसल्स ठीक है वैसल्स क्या है दीज आर थिक वॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच एक्सटेंड्स थ्रू सेवरल फीट ऑफ जैलम टिश्यूज ये लॉन्ग पाइप लाइक सेल्स होते हैं और जो कि सेवरल फीट जो है वो आ, तक जो इनकी लेंथ होती है आ, और ये थिक वॉल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं अच्छा द रेंज इन डायमीटर फ्रॉम 20 माइक्रोमीटर टू एज मच एज 70 माइक्रोमीटर यानी 0.7 मिलीमीटर इनके जो डायमीटर है वो यहाँ पर दिया हुआ है Their walls are आर and एंड आर परफोरेटेड pits. अच्छा ये इनका स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया गया है कि इनकी ऐलम जा, जो वैसल्स हैं इनकी वॉल जो है वो लिग्निफाइड का मतलब लिग्न है इनके अंदर और इसके अलावा लिग्न मैंने कहाँ बताया था आपको लिग्न वहाँ पर जहाँ पर हाइड्रोफ्लिक्स सब्सटेंस है ताकि वाटर को एडेर करें ठीक है ये इनकी पर्टिकुलरिटी है इसके बाद परफोरेटेड बायपेड्स यानी उनमें दरमियान में जो है वो सुराख होते हैं परफोरेशन होती है उनके अंदर अच्छा नेक्स्ट ट्रैकिट्स डिज़र सेकेंड टाइप ऑफलम सेल्स दिस इज कॉल्ड ट्रैकिट्स ओके डिजर इंडिविजअल सेल्स अबाउट थर्टी माइक्रोमीटर इन डाय मीटर एंड सैवरल मिली मीटर इन लेंथ ये सेल्स जो हैं वो वैसेल के साथ एडजस्टेंट होते हैं और वैसल्स को सपोर्ट करते हैं और ट्रैकिट जो होते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं वैसेल से दे कैन भी डिस्टिंग फ्राम वैसे्स बाय देयर एंगुलर वॉल्स एंड स्मॉलर साइज साइज में ये स्मॉलर है लेकिन डाई मीटर में ये थोड़े धिक हैं इससे ज़्यादा है अच्छा और हाइट के हिसाब से दीज आर स्मॉलर देन वैसल्स यहाँ पर डायग्राम देखिए परफोरेशन प्लेट्स होती हैं इसके वैसल्स के अंदर ये वैसल मेंबर है और ट्रैकिट्स जो हैं ये जो है एंगुलर इनकी वॉल्स है ओके नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट इन जायलम सैप यानी जायलम के अंदर जो सैप जो है वो ट्रैवल uh, 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 कर रहा है फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन एट द रेट ऑफ फिफ्टी फिफ्टीन मीटर्स पर आवर पानी प्लांट में कैसे चढ़ता है फिफ्टीन मीटर्स कवर करता है पर आवर में साइलम सेब एसेंट्स अगेंस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मैकेनिकल पम्प। आप ये देखिए स्टूडेंट्स के यहाँ पर किसी मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत नहीं है ये अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी भी पानी चढ़ता है ये आप समझेंगे अभी इसको मजीद है प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे कैसे फॉलोइंग थ्योरीज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म प्रिसाइसली अभी इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो आपको बताएंगी सोचने की बात है ना कि वाटर ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे ऊपर तक जा रहा है ठीक है जबकि कोई प्लांट को एनर्जी भी इसमें इनपुट नहीं करनी पड़ी कोई मैकेनिकल पंप भी नहीं यूज कर, कोई मैकेनिकल एनर्जी यूज नहीं हो रही ये एक uh, जो है uh, दो थ्योरीज़ जिसके अंदर जो है हमें स्टडी करनी है फर्स्ट द रूट प्रेशर थ्योरी एंड सेकेंड द एडिशन कोहेशन टेंशन थ्योरी यानी ट्रांसपेरेशन पुल ओके द फर्स्ट थ्योरी इज रूट प्रेशर थ्योरी व्हाट इज दिस Root pressure is created by active secretion of salts and other solutes from the other cells into the xylem sap. Uh, this lowers the water potential of xylem sap. Achha, बेसिकली uh, हम ये अंडरस्टैंड करना है कि ज़ाइलम में वाटर की अपलोडिंग कैसे होती है अब अब तक हमने जो चीज़ पढ़ी वो क्या था कि अपटेक ऑफ वाटर कैसे हुआ था अब टूअर्ड ज़ाइलम वाटर आ रहा है तो ज़ाइलम सेल में वाटर की अपलोडिंग होनी है द वाटर हैज़ टू तो अपलोड टू तो जाइलम अब ये कैसे होगा इसके लिए ज़रूरी है कि जाइलम सेल्स का अपना वाटर पोटेंशियल कम हो और सराउंडिंग सेल का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो हमें पता है कि वाटर ऑस्मोसिस के ज़रिए हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो ज़ाइलम सेप ज़ाइलम के अंदर सेल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल लो होना वो कैसे होगा जब जायलम के अंदर कुछ सिक्रीट होते हैं सॉल्ट्स और वो सॉल्ट सिक्रीट होने के बाद उसका वाटर पोटेंशियल लो कर देते हैं जब ये लो करते हैं तो जो वाटर पोटेंशियल है वो वाटर एंटर द साइलम सेल्स बाय ऑस्मोसिस थक्रीजिंग द लेवल ऑफ सैप इन दायलम सेल गेट इट क्या होता है होता ये है कि इसमें जैलम का वाटर पोटेंशियल कम होता है और जब ये इस, आ, आ, कम होता है वाटर पोटेंशियल तो फिर वाटर जो एंटर ओस्मोसिस के थ्रू ईजिली जैलम सेल के अंदर हो जाता है वाटर एंटर्स इन दायलम सेल्स में टेक एपोप्लास्ट सिंप्लास्ट और वेक्युलर पाथवे इंक्रीजिंग द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन सेल्स पुश इज वाटर अपवर्ड अब जैलम सेल्स का क्योंकि वाटर पोटेंशियल बहुत कम था तो उसमें ईजिली ऑस्मोसिस के जरिए वाटर एंटर हो गया ठीक है ज्यादा अपने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से वाटर कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ यानी जायलम सेल्स में एंटर हो गया अब सेल में जब एंटर हो जाएगा तो एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होगा वो जो वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो उसको उसकी सेल वॉल को और सेल मेम्ब्रेन को पुश करेगा जब पुश करेगा तो वाटर जो है फिर वो अपवर्ड मूव करेगा ओके हाँ आप यहाँ पर एक डायग्राम देखिए एक और डायग्राम आ, आ गई इसी तरह की कि ये सिम्प्लास्टिक प्लास्टिक पाथवे हम बता चुके हैं आपको और एपोप्लास्टिक पाथवे बता चुके हैं अच्छा ये सब जो है ये रूट हेयर से वाटर लेटरल ट्रांसपोर्ट हो रही है और ये जा रहा है जैलम के अंदर ठीक है जैलम वैसल्स के अंदर जा रहा है अभी जो आपने वैसल्स जो है वो स्टडी की जैलम वैसल्स के अंदर जा रहा है और वैसल्स के बाद ये अब जो है ये अपवर्ड जो है वो मूव करेगा ओके okay, अब एक और चीज़ पढ़नी है हमें स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेशन पुल क्वेश्चन टेंशन थ्योरी अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि वाटर लेटरल ट्रांसपोर्ट करता हुआ वो ज़ाइलम वैसल्स तक आ गया ठीक है रूट की जालम वैसल्स में आ गया अब रूट से उसके स्टेम स्टेम को जो है वो कवर कवरअप करना है और डिफरेंट ब्रांचेस में जाना है यानी अपवर्ड वाटर को मूव करना है अपवर्ड मूव करने के लिए अब क्या मैकेनिज़म है इसकी भी थ्योरी है ये थ्योरी क्या है वो थ्योरी आपने पढ़ी रूट प्रेशर थ्योरी जहाँ पर जैलम के अंदर सिक्रीट हुए जो है वो सॉल्ट uh, और जैलम का पोटेंशियल जो है वो वाटर पोटेंशियल लो हुआ डिक्रीज हुआ और ऑस्मोसिस के त्रो जैलम में पानी एंटर हो गया ये तो हो गई रूट प्रेशर अब ऊपर पानी जाने के लिए नेक्स्ट थ्योरी है दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेशन पुल यानी कोहेजन टेंशन थ्योरी इसको डिस्कस करते हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी प्रोपोज बाय डिक्सन डिक्सन एक साइंटिस्ट थे। ये मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है दिस थ्योरी प्रोवाइड्स अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स ऑफ प्लांट्स इन बल्क फ्लो और मास फ्लो ठीक है, वाटर जो है वो बल्क फ्लो में जो है वो ऊपर जा रहा है मास फ्लो में ये थ्योरी जो है जब आप इसको, इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे तो यू विल गेट इट कि हां वाटर किस तरीके से जो बल्क में ऊपर जाता है ठीक है तो इसको हम स्टडी करते हैं दिस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग इसके लिए हमें कुछ और जो है वो अपने कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे आपको समझना होगा एडिशन टेंशन ये चीजें आपको इसके कंसेप्ट आपको क्लियर होने ताकि आपको ट्रांसपरेशन पुल जो है वो समझ आ सके चले चलते हैं बाइकोहिजन टेंशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द ट्रांसपरेशन पुल प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एनर्जी द सैप इन जैलम टिश्यूज इज अपवर्ड टू द लीव्स ये जो ज़ालम में अपवर्ड मूवमेंट हो रही है ट्री के अंदर वाटर की ये अपवर्ड मोवमेंट जो है ये जस्ट बिकॉज cohesion इट इज पॉसिबल इट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ देशन प्रॉपर्टी ऑफ वो कॉपरेट करता है उसको ट्रांसपेरेशन का प्रोसेस जो है वो उसके साथ कंट्रीब्यूट करता है तो ये अपवर्ड मूवमेंट होती है और अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं ना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर चले कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट समझते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वाटर की हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हम सिर्फ वाटर मोलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को इसमें देखते हैं क्योंकि हमें वाटर की अपवर्ड मूवमेंट को समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल कोहिजन वॉट इज दिस को इट इज द अट्रैक्शन अमंग वॉटर मॉलिक्यूल्स विच होल्ड टूगैदर विच होल्ड वॉटर टूगैदर फॉर्मिंग अ सॉलिड चेन लाइक कॉलम विद इन दायलम ट्यूब्स एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वॉटर गिवराइजन को है। एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ठीक है एक वाटर मोलिक्यूल दूसरे वॉटर मोलिक्यूल के साथ बाय मीनस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अटैच होता है और इस तरह सॉलिड चेन फॉर्म होती है वॉटर की ना सिर्फ जयलम है हर जगह वाटर हमें कंसिस्टेंसी से जो मिल रहा होता है जो वाटर का फ्लो होता है कंसिस्टेंसी से वो जस्ट बाय मीस ऑफ कोहेजन वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे आर बॉन्डेड टुगेदर बाय मीनस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है तो ये एक सॉलिड चेन बना देते हैं वाटर की अब ये जालम में से इस तरीके से वाटर ऊपर जाता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे से दूसरा तीसरे चौथे से अटैच रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए और ये एक सॉलिड चेन बनती है ये वाटर की प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोल्सो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टेंशन क्या है इट इज प्रोवाइडेड व्हेन दिस वाटर चेन इज पुल्ड अप इन द अच्छा, ये टेंशन जो है ये क्रिएट होती है आगे से जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मिल रहा होता है था 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 उसको वाटर को ऊपर चढ़ाने के लिए ये ट्रांसपेरेशन का जो आ, पुल होता है यानी स्टोमेटा से जो वाटर आ, जो है वो एवोपरेट होता है तो अपने पीछे वाले सेल के अंदर एक हाइड्रोस्टेटिक जो है वो डेवलप कर देता है आ, क्या कहना चाहिए एक पुल डेवलप कर देता है तो ये पुल upward, पुल पुलअप होता है ये टेंशन कहलाता है ठीक है मैं इसकी एग्जाम्पल आपको दूँ जैसे आप स्ट्रॉ से पानी जो है वो सक करते हैं ठीक है आपने जो है वो फूक अपने अंदर जो है वो एयर सक करते हैं तो वो जब एयर के साथ जो है वो वाटर ऊपर चढ़ता है तो एयर जो है वो क्या है इस वक्त स्ट्रॉ के अंदर एयर जो है वो पुल है एक आ, फोर्स है ठीक है जो वाटर को अपवर्ड लेके जा रही है और टेंशन क्रिएट कर रही है अब यहाँ पर ट्रांसपेरेशन इज द फोर्स जो वाटर को ऊपर लीव्स तक लेके जा रही है और वो क्योंकि एयर है यहाँ पर एयर यहां पर भी एयर है जो कि जैसे स्ट्रॉक के अंदर एयर है तो यहाँ पर भी एयर है लीव्स के स्टोमेटा में जो एयर है वो उसको वाटर को बार बार एवोपरेट करा रही है और वाटर में वहाँ पर डेफिशिएंसी हो रही है वाटर का पोटेंशियल लो हो रहा है तो वो अपने पीछे वाले से वाटर लेता है चल इसको और आगे देखते हैं ट्रांसपरेशन प्रोवाइड द नेसेसरी एनर्जी फॉर फोर्स ऑफ फोर्स एडिशन थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज एडिशन ठीक है एडिशन क्या है एडिशन इज़ द स्टिकिंग टुगैदर ऑफ़ मोलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड अच्छा अब वाटर की अभी एक और भी चीज़ हमने पहले पढ़ी थी वाटर की ये भी खासियत है कि वो कुछ आ, दूसरे सब्सटेंस के साथ एडेयर करते हैं ठीक है कुछ सब्सटेंस वाटर को अड्र करते हैं वाटर मोलिक्यूल ना सिर्फ अपनी सॉलिड चेन बनाते हैं बल्कि साथ में सपोर्ट जो उनके मीडियम होते हैं जिस भी मीडियम के अंदर वो होते हैं वो वहाँ भी अडेर करते हैं तो डिफरेंट काइंड्स के मॉलिक्यूल्स अगर अट्रैक्शन जो फॉर्म करते हैं या उनके अंदर अट्रैक्शन होती है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन ठीक है वाटर मॉलिक्यूल आल्सो एडेयर टू द वॉल्स ऑफ जाइलम सेल्स जाइलम सेल्स की जो दीवारें वॉल्स हैं सेल वॉल्स हैं ठीक है वो एडहर करती हैं मैंने आपको बताया कि सेल वॉल्स आर मेडअप ऑफ सेलोज लिग्निन एंड पैक्ट ऑल ऑल आर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस एंड एडेयर टू द वॉटर सो दैट द कॉलम ऑफ वाटर इन जैलम टिश्यूज डज नॉट ब्रेक अब जैलम टिश्यू के अंदर जो वॉटर का कॉलम फॉर्म हुआ है बाई मीन ऑफ को ब्रेक नहीं होगा क्योंकि उसको सपोर्टिंग मीडियम मौजूद है जैलम की वैसे अंदर वो उसको सपोर्ट करते हैं और वॉटर टेंशन के थ्रो ऊपर चर्चा चला जाता है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज़ द डायग्राम डायग्राम में आप देखिए हमने यहाँ पर जैलम की सेल वॉल को जो है ओ जैलम uh, के वैसल्स को जूम करके दिखाया पहले आप देखिए कि जैलम सेल्स के अंदर वाटर ब्लू कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं आर वाटर मॉलिक्यूल दरमियान में जो आपको पैसड नज़र आ रहा है जो अभी मैंने आपको जिक्र किया था कि परफोरेटेड बाय पिट्स ये एक छोटे छोटे सुराख है परफोरेशन है जहाँ से जो है ये वाटर एंटर हो रहा है थ्रो जैलम वैसल्स तो जैलम वैसे के अंदर ब्लू कलर के जो मॉलिक्यूल जा रहे हैं इनको जूम करके दिखाया गया एनहेंस करके और इनहेंस करके आप देखिए यू कैन सी द फोर्स ऑफ एडिशन एंड द फोर्स ऑफ कोहेशन ठीक है विद इन द वॉटर मॉलिक्यूल द फोर्स इज कॉल्ड कोहेजन जो अट्रैक्ट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से वो कोहेजन है और जो वाटर मॉलिक्यूल एडहेर कर वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे हैं जैलम वॉल्स के साथ वो एडिशन है तो कलेक्टिवली ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है एडिशन एंड कोहेशन और ये जो है ये अपवर्ड मूवमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम एक और देखिए कोहेजन टेंशन थ्योरी की यहां पर आप नीचे से शुरू करिए रूट प्रेशर डेवलप हुआ रूट प्रेशर कैसे डेवलप हुआ बिल्कुल जैलम के अंदर जो है वो वाटर पोटेंशियल लो हुआ और जैलम के अंदर अपलोडिंग हुई वाटर की रूट हीयर से पानी जैलम वैसल्स तक पहुंचा रूट हीयर ने पानी जो है वो जैलम वैसल तक पहुंचा दिया जैलम वैसल से पानी अपवर्ड जा रहा है वाटर राइज रोजम वैसल्स बिकॉज कोहेजन वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू इच अदर बिकॉज ऑफ एडिशन वाटर मॉलिक्यूल्स फ्राम हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द जैलम सेल्स वॉल्स जैलम सेल्स वॉल्स से भी उनकी बॉन्डिंग हो रही है और फिर ये उसके बाद ऊपर तक जा रहे हैं अच्छा ऊपर कौन सी फोर्स है जो इनको ये सब कुछ करवा रही है फोर्स इज ट्रांसपेरेशन ट्रांसपेरेशन बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन ऑफ वॉटर फ्रॉम इस्टोमेटा क्रिएटिंग अ टेंशन दट पुल द वॉटर कॉलम फ्रॉम रूट टू लिव ठीक है यहाँ पर एयर जो है वो ये फोर्स डेवलप करवा रही है क्योंकि पानी जो है वो उसके पत्तों में सुराख है मसाम है पोर्स है दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा मुस्तकिल जो है वहाँ पर वो धूप पड़ती है और वहाँ पर एयर होती है जिससे उनके वाटर मॉलिक्यूल्स की जो है आपको थर्मोडाइनमिक्स के असूल याद होने चाहिए कि वाटर अपनी स्टेट चेंज कर लेता है वैन इट गेट्स एनर्जी उसको एनर्जी मिली तो वाटर की लिक्विड स्टेट से वो गैशेज स्टेट में चला गया और वो उसके बाद एवोप्रेट कर गया जब उसने एवोपरेट करके वॉटर स्टोमेटा में जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं लीफ के वहां पर वाटर नहीं होगा तो फिर पीछे से वॉटर जो है वो पुल करेगा ठीक है क्योंकि वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू वहां पहुंचा अच्छा और पीछे से जब वॉटर पुल हो जाएगा तो उसके पीछे से उसको वॉटर को पुल करेगा दिस इज द फोर्स ऑफ टेंशन ठीक है ओके ओके स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेशन पुल का प्रोसेस यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है मैंने पूरा आप इसको स्टडी दोबारा हम पढ़ लेते हैं ट्रांसपेशन पुल रिजल्ट्स फ्रॉम चेन ऑफ इवेंट्स जो मैंने अभी आपको सारे चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं ये बताएं इसको दोबारा एक दफा देख लेते हैं ट्रांसमेशन पुल रिजल्ट फ्राम चेन ऑफ इवेंट्स दैट इज स्टार्ट वेन लीव्स बिगिन टू एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन विच रेज द टेम्परेचर ऑफ लीव्स सो द टू बिगिनरेट फ्रॉम मॉइस वॉज ऑफ मिजिफल सेल्स ये मैंने अभी आपको बात बता दी है ठीक है लीफ में अंदर से अंदर जाते जाइए पीछे ऊपर फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस जहां पर सुराख है स्टोमेटा है वहां से पानी सुराख के जरिए जा रहा है और वो पानी जो रिप, उस वो कैसे रिप्लेस होता है पीछे वाले सेल उसको फिर पानी प्रोवाइड करता है उस सेल को जो पानी फिर उसके पीछे वाला सेल अपने आगे वाले सेल को पानी प्रोवाइड करता है इस तरह पानी रिफ्लेस होता जाता है और नीचे से पानी जो है वो रूट प्रेशर के थ्रू अपटेक होता जाता है दरमियान में सारा वाटर कॉलम क्रिएट हो रहा है बाय बाईम ऑफ टेंशन उसके बाद ट्रांसपेरेशन पुल की वजह से पानी स्टोमेटा के जरिए बाहर जा रहा है तो एक पुल एक फोर्स डेवलप हो रही है जिसके ज़रिए वाटर जो है वो अपटेक होकर ऊपर तक जा रहा है अल्टीमेटली वाटर इज पुल्ड फ्रॉम जालम टू मीट द लॉस ऑफ वाटर ये वही चीज़ बताई हुई है टू ट्रांसपोर्ट वाटर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस प्लांट डो नॉट यूज़ देअर मेटाबॉलिक एनर्जी कमाल की बात यह है कि इस तमाम प्रोसेस में प्लांट को किसी मेटाबॉलिक एनर्जी की जरूरत नहीं है क्योंकि ये थर्मोडाइनमिकली प्लांट जो है सोलर रेडिएशन से आ, वाटर एवोपरेट हो रहा है और नीचे से पानी फिर मिलता जा रहा है उसको फोर्स लाइक एडिशन कोहेशन एंड टेंशन एंड एवपरेटिंग इफेक्ट ऑफ सनलाइट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अपर कंडक्शन ऑफ वॉटर ये पूरा प्रोसेस यहां पर बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है ये डायग्राम बहुत अच्छी है इस डायग्राम को देखिए इसमें एक तरफ प्लांट दिखाई गए और एक तरफ प्लांट के अनोट में दिखाई गई है डायरेक्ट अनोट में नॉट वे मीन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम ठीक है इंटरनल स्ट्रक्चर आप रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए रूट हेयर और सॉइल पार्टिकल्स लेफ्ट साइड से बॉटम से हम शुरू करते हैं लेफ्ट साइड के बॉटम से ठीक right है सॉरी पहले राइट साइड पर देखते हैं वाटर राइट साइड पर देखिए एक होल प्लांट है ठीक है नीचे से रूट है वॉटर आया आके ऊपर चढ़ा और चढ़ने के बाद लीव से एवोपरेट हो गया इज इट क्लियर नाओ कम टू द लेफ्ट साइड नाव लेफ्ट साइड में आइए इसके नॉट में देखिए रूट के नॉट में लेफ्ट एरो से देखिए ब्लू एरो जा रहा है और लीव के नॉट में एरो आपको दिखा रहा है, ठीक है पहले रूट के नॉट में देखते हैं रूट के अंदर रूट हेयर डेफिनेटली सॉयल पार्टिकल्स उसके दरमियान में वाटर मौजूद है और वाटर जो है वो रूट हेयर के अंदर से अंदर आ गया उसने एपिडामिस क्रॉस करी उसने रूट के कॉटेक्स के सेल क्रॉस करे एंडोडर्मिस क्रॉस करी और वो दरमियान में जो येलो कलर का आपको पाइप नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स पाइप इज सेट टू बी वैसल्स ये हम जैलम कह सकते हैं ठीक है इस जैलम वैसल्स पाइप के जरिए पानी ऊपर चढ़ा और अब पाइप पाइप नहीं होते, बेसिकली सेल्स होते हैं ये अच्छा ये वाटर ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़ने के बाद ये जब लीफ तक पहुंचेगा तो लीफ में जो इस सेल्स आपको दरमियान में नज़र आ रहे हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी है आर बेसिकली म्यूजोफिल्स टिश्यूज म्यूजोफिल्स के सेल, सेल के साथ वाटर जो है वो इंटर सेल स्पेसिस में पहुंचता है और आ, अपर लेयर जो है वो इसकी इधर आपको लोअर लेयर लीव के एपिड्रामिस लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस नज़र आ रही है और ऊपर जो है लीफ की अपर एपिडर्मिस है तो तो लोअर लोअर एपिडर्मिस एपिडर्मिस पे पे बेसिकली स्टोमेटा ज़्यादा हमेशा जो स्टोमा एक सुराख को सिंगल को कहते हैं स्टोमा और उसके अतराफ तर, में क्या होता है गार्ड सेल्स होते हैं ठीक है गार्ड सेल्स ओपन है और वाटर वहां से जो है वो एवोपरेट हो रहा है तो जैसे वाटर एवोपरेट होता जाता है पीछे के वाटर सेल्स में वाटर कम होता जाता है वो अपने पीछे से वो अपने पीछे से और वो अपने पीछे से वाटर जो है वो अपटेक करते जाते हैं ओके ओके दिस इज माई लेक्चर बेसिकली ट्रांसपोर्ट इन प्लान मैंने इसको यहाँ तक ही कवर अप किया है आगे जाके ट्रांसलोकेशन है वो इन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और ट्रांसलोकेशन मीन जो प्रिपेयर फूड है वो फ्लोएम के थ्रू जो है वो उसका किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट था वो इसके लिए एक अलग वीडियो होगी और थैंक यू सो मच एक और डायग्राम को देख लें ये भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू दिस इज प्रोफेसर के कश्चा नजम फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज जोन और अगर आप मुझे ई भी कर सकते हैं मेरी ई मेल आई डी यहाँ पर दी हुई है थैंक यू सो मच अगेन थैंक यू सो मच फॉर द सिंध गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टीच यू ओवर देयर स्टूडेंट्स होपफुली आई प्रिपेयर द नेक्स्ट लेक्चर ऑल टू थैंक यू सो मच अगेन